बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर परिवहन निगम द्वारा महिलाओं के लिए मुख्य सिटी बस सेवा दिया गया। वहीं शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पटना सिटी में भी रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की यात्रा के लिए मुफ्त ई रिक्शा सेवा दिया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व पथ निर्माण मंत्री सह स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं निःशुल्क ई रिक्शा की यात्रा से पटना साहिब के महिलाओं में खुशी देखी गई। वहीं स्थानीय विधायक जी ने भाई बहनों के पवित्र त्यौहार पर देश और राज्य की जनता को बधाई दी। साथ ही महिलाओं की रक्षा और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए समाज के लोगों को जागरूक किया। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर तमाम बिहार के बहनों को एवं पटना एवं वार्ड 67 के जितने भी हमारे बहन हैं उनको हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं और ये संदेश देते हैं कि आज ये शौर्य भारत के तरफ से जो ये पहल की गई है ई रिक्शा का, इसके लिए मैं शम्मी रावतवी जी को और अमित खत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज का बहुत बड़ा ही महत्व है। आज रक्षाबंधन है जो पर्व, वो भारत में हिंदुस्तान में उन क्रांतिकारी भाइयों को जो हमेशा से सत्य और धर्म के लिए लड़ने का काम करते थे, उनकी बहनें उनकी रक्षा के लिए जो सूत्र बांधती थी और जिस वीरों को जो बहनों ने रक्षा प्रदान किया, जो सूत्रों को बांध करके प्रेम अटूट प्रेम से, उसी का ये महान पर्व है रक्षाबंधन पर्व। इस अवसर पर मैं तमाम उन बहनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और ख़ास करके मैं सारे भारतवासियों से, पटना वासियों से, बिहार वासियों से, जो हमारे जनता है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपनी बहनों की रक्षा करें। जो महिला रूपी जो हमारे समाज में जो बहन है, उनकी रक्षा के लिए हम लोग कृत संकल्प हों। हमारी बहनें हमारी रक्षा के लिए कृत संकल्प होती है रक्षाबंधन के दिन। हम ये चाहेंगे कि हमारे भाई, हमारे पुरुष समाज के भाई, वो भी कृत संकल्प हो इस रक्षाबंधन के दिन कि हम बहनों की भी रक्षा करें, हम उनकी आन बान और मर्यादा की रक्षा करें, हम अपनी बेटियों की रक्षा करें और उनके साथ अगर कहीं भी गलत हो तो महिला के लिए महिला ही नहीं बल्कि महिला की रक्षा के लिए पुरुष समाज भी बढ़ चढ़ के आगे होकर के अपनी बेटियों की रक्षा करे। जोर से आज रक्षाबंधन के अवसर पर एक अभिनव प्रयोग किया गया। वैसे भी राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर जो उनकी बसें चलती हैं, सरकारी बसें, उनमें महिलाओं को फ्री किया है बसों में, लेकिन ई रिक्शा के माध्यम से भी स्थानीय गलियों में जाने के लिए बहनों को, महिलाओं को एक नई सुविधा प्रदान करने की कोशिश की है फाउंडेशन ने। मैं अपनी ओर से फाउंडेशन के मित्रों को बधाई देता हूँ और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं ज़रूर आग्रह करता हूँ, अगर बहन रहेगी तब तो राखी बांधेगी ना। ये जो समाज के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है या जो भ्रूण हत्या होता है, उसकी रोकने की दिशा में भी हम सार्थक पहल करें। हम सब समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि हम बहन बेटियों का पूरा सम्मान करें और भ्रूण हत्या न होने दें।